Hello my dear student, welcome back to my channel Alim Maths Blog. So my dear student, today our question is if x plus 1 by x equal to 99, find the value of 100x divided by 2x square plus 102x plus 2. So my dear student, इस टाइप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए आज तुम लोग को बहुत इजी प्रोसेस बताऊंगा स्टूडेंट. तो माय डियर स्टूडेंट, इस टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, पहले यहाँ पर देखो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 99 है, ठीक है. तो इसका तुमको वैल्यू निकालना है. तो कैसे निकालना चाहिए आज तुम लोगों को बहुत बताएंगे. तो यहाँ पर इस इक्वेशन को तुमको यहाँ पर लिखना है x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट, 99, ठीक है. तो इसको क्या करना चाहिए, एलसीएम करना है. वन और एक्स का एलसीएम कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, एक्स होगा. तो यहाँ पर एक्स लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 99. उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए, तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए यहाँ पर. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन के साथ इस ना एक्स स्क्वायर प्लस वन को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन मिलेगा. और राइट साइड को होगा, राइट साइड में होगा एक्स इंटू 99, मतलब क्या होगा 99x, ठीक है स्टूडेंट. उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन का प्लेस में तुमको 99x यहाँ पर पुट करना है. एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू यहाँ पर पुट करने से इसका आंसर बहुत इजी से निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट. तो तुमको क्या करना चाहिए, पहले तुमको क्या करना चाहिए, 100x पहले फिर से लिखना है. उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो 202 और 2, ठीक है. तो तुमको क्या करना चाहिए, 2 कॉमन लेना है. 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 51x प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट. तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है. 100 को 2 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 50 मिलेगा. तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर का प्लेस में कितना आएगा, 50x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन. इसको तुमको अरेंज करना चाहिए. तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को पहले लिखना है, उसके बाद 51 को लास्ट में लिखना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट. तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू कितना है, 99x. तो यहाँ पर तुमको पुट करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन का प्लेस में कितना तुमको पुट करना चाहिए, 99x. तो न्यूमरेटर सेम लिखना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन का प्लेस में कितना तुमको लिखना है, 99x. यहाँ पर 99x प्लस 51x, ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस वन का मतलब क्या है, 99x. तो फिर से तुमको क्या करना चाहिए, 50x को पहले यहाँ पर न्यूमरेटर प्लेस में लिखना चाहिए, 99x प्लस 51x, ठीक है. इसको जोड़ने से कितना मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 150x, ठीक है स्टूडेंट. तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, तो क्या होगा, 5 1 5 5 3 50. सो माय डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/3, ठीक है स्टूडेंट. ये हमारा आंसर है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, 1/3. So my dear student, if you like this video and if you like this trick, so please support me and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.